अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फिल्मी दुनिया से जुड़े जनरल नॉलेज देखने जा रहे हैं। जैसे कि प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता जेएफ मदन थे। हिंदी फिल्म निर्देशन के लिए अब्बास मस्तान की जोड़ी बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है। हिंदी फिल्मों में डबल रोल का किरदार निभाने वाले पहले कलाकार अन्ना साळुंखे हैं। बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका जुबैदा हैं। बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। फ्रेंड्स, इस तरह का जनरल नॉलेज हम जानते हैं, अपने नॉलेज को आज हम और भी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2012 बेस्ट एक्टर के लिए किसे मिला? आंसर है फिल्म रॉक स्टार रणवीर कपूर। क्वेश्चन नंबर दो, विदेशी फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर है सन 1956। क्वेश्चन नंबर तीन, ऑडियो सुनिए और बताएं सबसे पहले हिंदी फिल्म में गाना किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था? दे दे उदा के नाम पे प्यार ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। आंसर है वजीर मोहम्मद खान, फिल्म आलम आरा। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में बनी पहली रंगीन हिंदी फिल्म कौन सी है? आंसर है सन 1937 में बनी फिल्म किसान कन्या। क्वेश्चन नंबर पाँच, स्क्रीन पर मौजूद ऑडियो सुने और बताएं यह डायलॉग किसकी आवाज़ में है? ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रौंद दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है, खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा हमें खून रंग से नहीं अमल से परखता है। आंसर है शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर छः, वह फिल्म कौन सी है जिसके लिए पहली बार सिनेमा पोस्टर का प्रयोग किया गया था? आंसर है फिल्म माया बाजार। क्वेश्चन नंबर सात, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म में फिरंगी मल्लाह का किरदार किसने निभाया है? आंसर है आमिर खान। क्वेश्चन नंबर आठ, सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फिल्म कौन सी है? आंसर है फिल्म टाइटेनिक, 11 ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नौ, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है दस्तगीर उर्फ साबू। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन आंसर के सेशन का समाप्ति हम अल्लामा इकबाल के इस आशयार से करेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, अगर मालूमात अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।